पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जान के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थ तस्करों के धरपकड़ अभियान के तहत जवाहर थाना पुलिस ने सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देश पर थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी के टीम ने दौरान नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप जीप से काले रंग के 6 कट्टों में भरे 93 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा की खेप पकड़ी है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 2 डोडा तस्करों को भी गिरफ्तार करते हुए डोडा तस्करी में प्रयुक्त पिकअप जीप भी जब्त की है। पकड़े गए अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी गेहूं के कट्टों की सप्लाई की आड़ में की जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी के अनुसार ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत मंगलवार रात को भीलवाड़ा सनवा मार्ग पर राजावास चौकी के समीप नाकेबंदी कर वहां से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक एमपी नंबर पासिंग 13GB0705 पिकअप वाहन को संदिग्ध होने पर रुकवा कर चालक से पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने पिकअप जीप की चेकिंग की तो उसमें गेहूं के कट्टों के नीचे काले रंग के 6 कट्टे मिले जिनमें 93 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्ट भरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर पुलिस ने झूठावर तहसील मयावर जिला उज्जैन निवासी 30 वर्षीय समृद्ध पाटीदार पुत्र रामकरण उर्फ राम सागर पाटीदार तथा डाबरिया गांव तहसील तलोज जिला रतलाम मध्य प्रदेश निवासी 55 वर्षीय हीरालाल पाटीदार पुत्र जगन्नाथ पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया तथा वह डोडा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर थाने ले आई। थाना अधिकारी भाटी ने बताया कि पकड़े गए अफीम डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान टीम में एसएचओ मानवेंद्र सिंह भाटी, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह, अनिल कुमार तथा विजय कुमार आदि शामिल थे।